अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सोशल प्रॉब्लम की डेफिनेशंस को देखेंगे कि हम कैसे एक सिचुएशन को सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ थिंकर्स की डेफिनेशंस ऐड की हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि सोशल प्रॉब्लम क्या होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट मैंने एक जनरल डेफिनेशन ऐड की है सोशल प्रॉब्लम की, जिसके मुताबिक वी कैन से दैट एन अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड डिस्टर्बिंग सिचुएशन विच हैज़ नो रेडीमेड सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सोशल प्रॉब्लम। इस डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसी सिचुएशन जो कि डिस्टर्बिंग हो, अनवांटेड हो, आप नहीं चाहते, आपके पसंद की नहीं है, अनचाही है, डिज़ायरेबल नहीं है, डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन है और जिसका कोई रेडीमेड हल मौजूद नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने माशरे में कितनी सिचुएशंस देख रहे हैं, जैसे अभी हम करंट पेंडेमिक कोरोना सिचुएशन के अंदर देख रहे हैं कि कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू इकॉनमी। तो ये तमाम सोशल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं और इनका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनडिज़ायरेबल या अनवांटेड हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है थिंकर के मुताबिक, इट इज़ ऑफन डिफाइंड एज अ कंडीशन विच मैनी पीपल कंसिडर अनडिज़ायरेबल एंड विश टू करेक्ट। एक ऐसी सिचुएशन जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के मुताबिक अनडिज़ायरेबल हो, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को, मैनी पीपल को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हो और वो लोग चाहें कि हम इसको सुधार लें, हम इसको करेक्ट कर लें, तो उसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज़ एनी डिवियंट बिहेवियर इन अ डिसअप्रूव डायरेक्शन ऑफ सच अ डिग्री दैट इट एक्सीड द टॉलरेंस लिमिट्स ऑफ द कम्युनिटी। कोई ऐसा डिवियंट बिहेवियर का मतलब होता है, देखिए हमारे माशरे में कुछ खास रूल्स होते हैं जिनको हम नॉर्म्स कहते हैं, उन रूल्स को जो भी इंडिविजुअल वॉयलेट करता है तो उसके उस बिहेवियर को डिवियंट बिहेवियर कहा जाता है। तो ऐसा डिवियंट बिहेवियर जो कि डिसअप्रूव्ड है, अनचाहा है, नहीं पसंद किया जा रहा और जिसकी वजह से एक कम्युनिटी का टॉलरेंस लेवल, उसकी लिमिट्स एक्सीड कर जाएँ, तो उसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनी डिफिकल्टी ऑफ मिसबिहेवियर ऑफ अ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स विच वी विश टू रिमूव और करेक्ट। सेम बात की जा रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी मिसबिहेवियर जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के अगेंस्ट है और लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल उसको चेंज करना चाहें, तो उसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। और लास्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद द अवेकनिंग ऑफ पीपल इन अ गिवन लोकेलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग फील करते हैं कि कुछ गलत है, उनमें रियलाइजेशन आती है, अवेकनिंग आती है, फिर रियलाइजेशन के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक उस सिचुएशन को सही करें और वो तमाम कंडीशंस जो कि उनकी वैल्यूज़ को, उनके इकदार को, उनके नॉर्म्स को ख़तरा पहुंचाने वाली होती हैं, वो तमाम उनके लिए एक सोशल प्रॉब्लम होती हैं। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई काम हो गया, हम नॉर्मल वेज में तो पॉवर्टी को कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं, बट फ्रॉम स्मॉलर टू हायर लेवल ऐसी सिचुएशन जो कि लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को नेगेटिवली इफेक्ट करे, उसको सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई है, सोशल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ आया है। आने वाली वीडियोस में मैं सोशल प्रॉब्लम की करेक्टरिस्टिक्स को और डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।